ये है टॉक्स न्यूज नेटवर्क और आप देख रहे हैं पॉलिटॉक्स, राजनीति का कच्चा चिट्ठा। भारतीय जनता पार्टी जिंदाबाद, बीजेपी जिंदाबाद, नरेंद्र मोदी जिंदाबाद, अमित शाह जिंदाबाद, सारे नेता जिंदाबाद, सारे कार्यकर्ता जिंदाबाद, बीजेपी जिंदाबाद। नागरिकता कानून लागू करो, गहलोत सरकार होश में आओ, किसानों का कर्जा माफ करो, बेरोजगारों के साथ न्याय करो, नागरिकता कानून लागू करो। नरेंद्र मोदी जिंदाबाद, बीजेपी जिंदाबाद। आज के भारतीय जनता पार्टी के, अब जैसे वैसे एडजस्ट कर लो यार, जैसे रोडवेज की बस में भी तो करते ही हो। बालाराम जी, मैं दिख रहा हूँ आपको, आप मुझे दिख रहे हो, लेकिन मैं मांगीलाल जी को दिखता रहा हूँ ये जरूरी है? मैं उनके सामने ही खड़ा हूँ, विराज जी। अब जैसे एडजस्ट, अरे वो मेरा ही है, मेरी फोटो खींच रहा है। भारतीय जनता पार्टी के संगठन पर्व 2019 में आज प्रदेश के अध्यक्ष के निर्वाचन के अवसर पर हम सब के बीच में उपस्थित हमारे केंद्रीय पर्यवेक्षक, केंद्रीय गृह राज्य मंत्री आदरणीय भाई नित्यानंद राय यादव जी, हमारे दूसरे पर्यवेक्षक राज्यसभा और लोकसभा के दोनों सदनों में जिन्होंने शिरकत करी, जो उड़ीसा से आते हैं और राजस्थान के समर्थक हैं, ऐसे हमारे राष्ट्रीय उपाध्यक्ष वैजयंत जैन पाटा जी, दोनों ही पर्यवेक्षकों का मैं गुजारिश करूंगा कि आप जोरदार तालियों के साथ स्वागत करें, अभिनंदन करें। हम सब के संरक्षक जो संगठन की रचना की काम की हमें सीख देते हैं, ऐसे हमारे राष्ट्रीय सह संगठन मंत्री आदरणीय वी सतीश जी, और इन दिनों यूट्यूब पे जिनका भाषण सबसे ज्यादा चर्चित है, ऐसे हमारे पूर्व गृह मंत्री और नेता प्रतिपक्ष आदरणीय गुलाबचंद कटारिया जी, जिन्होंने वो यूट्यूब पे यदि खाली भाषण सुना होगा तो उनको लगता नहीं होगा कि गुलाब जी 75 साल के हैं। अशोक गहलोत जी को ऐसे ठोकर दे जैसे 25 साल के हों। हम सब के आदरणीय अर्जुन मेघवाल जी, मेरे भाई आदरणीय गजेंद्र शेखावत जी, आदरणीय कैलाश चौधरी जी, और जिन्होंने मुझे आज प्रमाण पत्र दिया। वैसे तो प्रमाण पत्र खूब मिले हैं, लेकिन ऐसा अनूठा प्रमाण पत्र मुझे पहली बार मिला है, ऐसे हमारे राजेंद्र गहलोत जी और कैलाश मेघवाल जी, मेरे अग्रज आदरणीय राजेंद्र राठौड़ जी, आदरणीय अरुण चतुर्वेदी जी, आदरणीय अशोक परनामी जी, और मुझे पता नहीं था अब राशन की स्थिति बाहर क्या है, लेकिन एक औपचारिक और सामान्य कार्यक्रम करना था, फिर भी जो संगठन की देखरेख तो ठीक करते हैं, कार्यकर्ताओं की भी चिंता पूरी करते हैं, और आज के हलवे की विशेष आग्रह था माननीय चंद्रशेखर जी का, अब कम पड़ा होगा तो एडजस्ट कर लेना, लेकिन आप सब लोगों को अच्छे से व्यवस्था आपने करी, लेकिन बूथ तक पार्टी को खड़ा करने का आप हमारे साथ मिलकर काम करते हैं। आदरणीय भजनलाल शर्मा जी, विरमदेव सिंह जी, कोई छूट गया हो तो बता देना भाई। मैं हरियाणा के चुनाव में गया तो ऐसे कोई संचालन कर रहा था, नाम छूट गया तो उसका कुर्ता ही फाड़ दिया खींच के बेचारा का। हमारे बहुत वरिष्ठ लोग कुछ नीचे बिराजे हैं, सांसदगण हैं, विधायकगण हैं, और मैं देख रहा हूं कि बहुत दूर दराज से भी कार्यकर्ता बहन और भाई
यहाँ उपस्थित हैं। मैं सबसे पहले मंच के प्रति कृतज्ञता व्यक्त करता हूँ, लेकिन आज जिस मुकाम पर और जिस हैसियत से मैं बोल रहा हूँ उसके लिए तो मैं मेरी पार्टी के, मेरे परिवार के तमाम कार्यकर्ताओं के चरणों में वंदन करता हूँ कि उनकी दुआओं से निश्चित रूप से आज मैं आपके बीच में खड़ा हूँ। मैं जब राजनीति में कुछ समझ में आई तो श्रद्धेय अटल बिहारी वाजपेयी जी को मैं पसंद करता हूँ। उनकी, सब जानते हैं कि उनकी लेखनी, उनकी विद्वता, उनकी वाणी और उनकी वाणी का ओज कार्यकर्ताओं को नहीं पूरे जनमानस को प्रेरित करता है। उनकी पंक्तियां हैं जो अक्सर वो कहते थे, मेरे प्रभु इतनी ऊंचाई कभी मत देना, मेरे प्रभु इतनी ऊंचाई कभी मत देना, गैरों को गले न लगा सकूं, ऐसी रुखाई कभी मत देना, ऐसी रुखाई कभी मत देना। कार्यकर्ता साथियों, यहां पर भजनलाल जी ने मेरे जीवन के बारे में कुछ बातें कही। मैं जब निश्चित रूप से पीछे मुड़ के देखता हूं तो मैं तो कल्पना भी नहीं कर सकता, चूरू जिले के एक छोटे से गांव में, एक किसान के घर में पैदा हुआ और आज मैं दुनिया की सबसे बड़े राजनीतिक संगठन के सबसे बड़े प्रदेश का अध्यक्ष बना हूं, तो निश्चित रूप से मैं केंद्रीय नेतृत्व का, तमाम उन नेताओं को और कार्यकर्ताओं का अभिनंदन करता हूं, आभार व्यक्त करता हूं कि जिनके कारण मुझे ये इज्जत, गौरव और सम्मान मिला। पर मैं ये मानता हूं कि ये गौरव और सम्मान केवल मेरे अकेले का नहीं, ये उन लाखों कार्यकर्ताओं का है, उन लाखों किसान परिवारों का है जिसमें हम जैसे कार्यकर्ता पैदा होते हैं और पार्टी के लिए शिद्दत से काम करते हैं। मित्रों, मैं बाहर तो नहीं गया, लेकिन मुझे ये बताया, कोई एक कार्यकर्ता आए तो उन्होंने कहा कि भाई साहब, 1 किलोमीटर गाड़ी पार्क करके आया। हमारी कल्पना में तो नहीं था, क्योंकि सामान्य समारोह था, मुझे प्रमाण पत्र लेना था, मेरा निर्वाचन होना था, लेकिन बहुत दूर से जो कार्यकर्ता, एक कार्यकर्ता को आशीर्वाद देने के लिए आए, स्नेह देने के लिए आए, मैं उन सब का आभार व्यक्त करता हूं जो मेरी आवाज बाहर तक सुन रहे हूं। मैं 14 सितंबर को मनोनीत हुआ और आज ये दिसंबर के महीने के अंत में हम लोग हैं, आज मेरा विधिवत निर्वाचन हुआ। एक सामान्य कार्यकर्ता के रूप में, विद्यार्थी परिषद के कार्यकर्ता के रूप में जीवन शुरू करते वक्त भी ये सोचा नहीं था, लेकिन जो काम करता था उसमें आनंद आता था और उस काम के आनंद को देखते देखते आज आनंद दुगना इसलिए होता है कि विद्यार्थी परिषद के दिनों के दौरान जो काम करते थे, कश्मीर के आंदोलन में, उधमपुर में जब विद्यार्थियों को गिरफ्तार किया और जब दूरदर्शन पर कब्जा किया और 7 दिन जब सेंट्रल जेल में रहने का अवसर मिला, तो ये सपने जैसा लगता था कि कश्मीर की समस्या का कभी समाधान होगा क्या। मैंने आजादी के आंदोलन को तो नहीं देखा, आपातकाल के आंदोलन को नहीं देखा, लेकिन मैंने अपनी आंखों से, आपने और हमने ये देखा कि उस कश्मीर की समस्या के समाधान को हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री और यशस्वी गृह मंत्री ने कलम की ताकत से करके दिखाया। इसलिए मैं आनंदित ज्यादा हूं। मुझे दोनों बार की कार सेवा में जाने का अवसर मिला। नारे लगाते थे तो कांग्रेस के मित्र उपहास करते थे कि तुम बीजेपी वालों की आदत सिर्फ नारे लगाने की, लेकिन मुझे लगता है लाखों लाखों और करोड़ों लोग, उन्होंने अपनी आंखों से देखा कि उच्चतम न्यायालय ने निर्णय किया और भगवान राम के भव्य मंदिर के निर्माण का मार्ग प्रशस्त हुआ, तो मुझ जैसे कार्यकर्ता यकीन खुश होंगे। मित्रों, कार्यकर्ता साथियों, अभी आदरणीय गुलाब जी भाई साहब ने आशीर्वाद भी दिया, लेकिन ये चेताया अभी, ये जो जिम्मेवारी है, ये जिम्मेवारी एक चुनौती है। इस चुनौती को मैंने स्वीकार किया, लेकिन अकेले के दम पर नहीं। यदि मान सम्मान और गौरव सबका है
तो मैं ये मानता हूं कि एक एक बूथ पर बैठे हुए कार्यकर्ता को भी ये चुनौती है कि एक संस्कारित और अनुशासित संगठन खड़ा हो, प्रधानमंत्री मोदी जी के हाथ मजबूत करें और उनके सपनों के भारत के अनुरूप गरीब के घर के सामने दिया जले उन लोक कल्याणकारी नीतियों से, और भारतीय जनता पार्टी के विचार पर कोई आंच आती हो तो उस आंच के लिए मुखरता के साथ, मजबूती के साथ खड़े करने का काम कोई करेगा तो मेरे बूथ का वो कार्यकर्ता करेगा, उस चुनौती को स्वीकार करेगा। मैं ये तो नहीं कहता कि मैं कितना निपुण हूं, मैं कितना कर पाऊंगा और कितना आप लोग करेंगे। जब सोने के बारे में पूछते हैं तो लोग कहते हैं कि 24 कैरेट है, और दुकानदार कहता है कि 24 कैरेट तो बताने के लिए है, 21 कैरेट ही है। लेकिन मैं मानता हूं कि राजनीति में शुद्धता यह भी बड़ी चुनौती है, निर्णय करना, सबको प्रसन्न रखना यह भी चुनौती है, और मैंने सब चुनौतियों को स्वीकार करते हुए उस बात को भी स्वीकार किया। इन 14 सितंबर से आज तक कार्यकर्ताओं के मन में भी खूब बातें रही होंगी, क्योंकि मुझे 37 वर्ष हो गए मैं पीछे मुड़ के देखता हूं, विद्यार्थी परिषद के कालखंड से लेकर युवा मोर्चा फिर पार्टी। इसलिए जब अर्जुन मेघवाल जी कह रहे थे कि इतने लोगों को नाम से कैसे जानता हूं, मैं इसलिए जानता हूं कि मैंने अपनी पीढ़ी के अंदर वहां से शुरुआत करी कि जब 80 के दशक में सबसे पहले टोंक की दूनी में जब हड़ताल हुई स्कूल में, उस दिन मैं डायरी लेके उस रोडवेज की बस में बैठा था और आज तक उतरा नहीं, इसलिए मैं नाम से जानता हूं। लेकिन मित्रों, लोगों से नाम से जानना उनकी अपेक्षा है, और मैं जब बना तो मुझे किसी ने मैसेज किया, मेरी आदत है मजाक करता हूं, मिलता हूं सबसे, तो उसने कहा कि भाई साहब आज मेरी तरफ आप मुस्कुराए नहीं, ये पहली चुनौती। अब ये उलाने तो घरवाली रोज ही देती है। लेकिन मित्रों, वो अपेक्षाएं और समय, काम, ये सब होते होते उस विद्यार्थी परिषद के मित्र की, युवा मोर्चे के मित्र की, पार्टी के मित्र की अपेक्षाएं मेरे लिए बड़ी चुनौती है। राजनीतिक दल है इसलिए कमी खामियां भी रहेंगी, इसमें हर किस्म के आदमी है। बीजेपी है, बीजेपी ने 24 कैरेट का वायदा किया और खरी उतर गई, ऐसा न तो बीजेपी कर पाएगी न पूनिया जी कर पाएंगे। लेकिन मैंने उस चुनौती को भी स्वीकार किया। 14 सितंबर से लेकर आज तक मैंने सबको खुला छोड़ा हुआ, जिसको गफलत करनी है गफलत कर ले, अच्छा करना अच्छा करे। लेकिन मुझे इस बात की खुशी है, इस पार्टी के जो संस्कार, पार्टी की दृढ़ता, पार्टी की रीति नीति, और मुझे ताज्जुब हुआ कि जिनसे मेरी अपेक्षा नहीं थी उन्होंने जोरदार काम किया, बहुत अच्छा काम किया, कुछ ने गड़बड़ भी करी, लेकिन गड़बड़ की छूट तो मैं 14 सितंबर से हम लोगों ने दे ही रखी थी आज तक की। लेकिन मैं आज के बाद कहना चाहता हूं कि इस पार्टी में मैं कच्चा था पहले पक्का हो गया, तो कच्चा था जब तक रिस्क नहीं ले सकता। लेकिन मित्रों, मैं कहना चाहता हूं राजस्थान में अब गफलत की गुंजाइश नहीं है। जो पार्टी के अनुशासन को, संस्कार को, मर्यादा का लंघन करेगा, छोटा होगा या बड़ा होगा, छोटा हो या बड़ा हो, मैं अपना इस्तीफा अपनी पत्नी को लिख के दे के आया हूं कि मुझसे भी गलती हो जाए, अरे यहीं बैठी हैं, मुझसे गलती हो जाए तो वो कॉपी भी सतीश जी को पहुंचा देना। लेकिन मित्रों, इसलिए कहना चाह रहा हूं कि हमसे अपेक्षाएं समाज की, और हम नारे लगाते हैं समाज को बदलने के, राजनीति को बदलने के, सुचिता के, और मैं ये निवेदन करना चाह रहा हूं कि मैं बहुत लोगों से उम्र में बहुत छोटा हूं। मेरे संगठन के काम की उम्र
ज्यादा हो सकती है, चुनावी राजनीति की कम हो सकती है। इसलिए कई बार विपक्षी पार्टी के लोग मुझे सीख देते हैं, नौसिखिया भी बताते होंगे, उनके मन में पीड़ा भी होती होगी। और मैंने ये कहा, जब मुख्यमंत्री जी ने मेरे बारे में ये कहा कि पूनिया जी नए नए मुल्ला बने इसलिए ज्यादा भांग दे रहे हैं, मैंने कहा कि उनके पेट में दर्द क्यों है जब राजनीति में कोई नई पीढ़ी आती है। शायद ये उम्र के उस पड़ाव पर है, इस बात का निराशा इनके मन में है कि अपने बेटे को स्थापित नहीं कर पाए, दूसरे बेटे राजनीति में क्यों स्थापित हो रहे। इसलिए न तो मेरी कोई होड़ और न कोई दौड़। और मैं जब जीवन को पीछे मुड़कर देखता हूं, हो सकता है किसके मन में ये मलाल हो कि मैंने उसका अच्छा नहीं किया, लेकिन मैं दावे के साथ कह सकता हूं 37 वर्षों में किसी का बुरा भी नहीं किया, उसका सम्मान किया, इज्जत की मान किया। और आज मैं आपको कह सकता हूं कि पार्टी के अध्यक्ष के नाते भी मुझे अखबार के लोग पूछते हैं कि आप में क्या बदला, मैंने कहा सिर्फ टाइटल बदला, नाम भी वही है, काम भी वही है, हूं वही कार्यकर्ता, सिर्फ अध्यक्ष लगा है। इसलिए सिर्फ टाइटल बदला, न मेरी नीयत बदली, न काम बदला, न नाम बदला। इसलिए मैं निवेदन करना चाह रहा हूं कि मेरे उन मित्रों को तकलीफ हो सकती होगी कि मुझे इतनी बड़ी जिम्मेवारी क्यों मिली, क्यों कार्यकर्ता मेरे साथ इतना प्रेम रखते हैं। उनकी तकलीफ जायज है, क्योंकि उनकी पार्टी में, उनके विचार में इस तरीके के संस्कार नहीं। और मैं धन्यवाद दूंगा आदरणीय नित्यानंद जी को, वैजयंत जी को, राजेंद्र गहलोत जी को, कैलाश मेघवाल जी को। मुझे परसों एक कांग्रेस के मित्र मिले, उन्होंने कहा कि आपकी पार्टी कमाल है। तो मैंने कहा क्यों, कि आपके यहां चुनाव भी हो गए, बूथ के चुनाव हो गए, मंडल के हो गए, जिले के हो गए, आपके भी हो गए। हमारे यहां तो जब तक अखबार में सुर्खियां नहीं बनती, कैसी बनती आप जानते हो, कि जब तक अखबार में नहीं छप जाए कई बार, तब तक हमारे चुनाव माने ही नहीं जाता, कैंसिल कर देते। इसलिए मित्रों, मैं उन तमाम कार्यकर्ताओं को जिन्होंने बूथ से लेकर इस निर्वाचन को, वास्तव में ये आलोचना करते होंगे, अखबार में भी कई बार लिखते कि ये कैसा चुनाव, अब वो ये मानते हैं कि चुनाव का मतलब भोंपू बजेंगे, ढोल ढमाके होंगे और बाकी उपक्रम होंगे। तो मैंने कहा भैया, ये बाकी जो काम है वो उनके पड़ोसियों के जिम्मे ही है, उन दूसरों के जिम्मे। हमारे यहां तो हम जिस आंतरिक लोकतंत्र की बात करते हैं उसको केवल कहते नहीं है, संविधान में नहीं लिखा, हम लोग जीते हैं उसको। इसलिए मैं आज के दिन इस महान भारतीय जनता पार्टी के तमाम उन लोगों को जिन्होंने जनसंघ के संघर्ष से आज एक विराट रूप यहां दिखाया, मैं जो अटल जी की बात आपसे करता हूं, उनका जब साहित्य पढ़ता हूं तो वास्तव में वो बात रोमांचित करती है। 6 अप्रैल 1980 को जब भारतीय जनता पार्टी का जन्म हुआ तो उन्होंने 3 लाइनें बड़ी जोर से कही, अंधेरा हटेगा, सूरज उगेगा, कमल खिलेगा, और ये कमल केवल लाल किले पर नहीं, अमेरिका की धरती पर भी खिलता हुआ दिखाई देगा। मुझे ताज्जुब हुआ कि मुझे जब अभी पिछले दिनों लंदन जाने का अवसर मिला, जिस पहले व्यक्ति ने मुझे एयरपोर्ट पर गुलदस्ता दिया, उसने कहा जी मैं बीजेपी का कार्यकर्ता हूं। मैंने कहा भाई बीजेपी हम खूब सारे सदस्य राजस्थान में बना के, हिंदुस्तान में भी है, इंग्लैंड में भी बीजेपी है क्या? उसने कहा भी दिखाऊंगा शाम को आपको, ओवरसीज ऑफ फ्रेंड्स ऑफ बीजेपी के लोगों ने वहां मेरा एक सम्मेलन किया। और मुझे ताज्जुब हुआ कि इतने भारतीय जनता पार्टी के समर्थक, तो उन्होंने कहा भाई साहब ये तो मोदी जी इशारा करते तो इंग्लैंड में भी सरकार बन सकती। मुझे ताज्जुब हुआ विचार से, व्यवहार से। और इसलिए मैं आज श्रद्धा से याद करूंगा कि जिनको मैं अटल जी से पहले पढ़ता था, और दुनिया के राजनीतिक इतिहास में ऐसा कम होता है कि किसी पार्टी का सरपरस्त अपनी पार्टी के एजेंडे के लिए अपने आप को आहूत कर दे। मैं आपकी साक्षी में याद करना चाहूंगा डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी को,
जिन्होंने अपने आप को कश्मीर की घाटी में देश की एकता और अखंडता के लिए बलिदान कर दिया। हम गांधी जी के ग्राम स्वराज्य के स्वावलंबन के स्वदेशी के उस भावना के साम्यता रखते हैं, उसकी इज्जत करते हैं, लेकिन मैं नहीं भूल सकता कि जो संस्कार हमें इस पीढ़ी को मिले उसमें पंडित दीनदयाल उपाध्याय का जीवन और उनका व्यक्तित्व हम लोगों के लिए प्रेरणा पुंज बनकर खड़ा। मित्रों, इसलिए संख्या दुनिया का सबसे बड़ा राजनीतिक संगठन, 18 करोड़ के सदस्य का दुनिया में कोई संगठन है, आप गौरव कर सकते हो कि सिर्फ भारतीय जनता पार्टी आज दुनिया का सबसे बड़ा राजनीतिक संगठन है। विचार के नाते और व्यवहार के नाते मैंने जिक्र किया, लेकिन क्योंकि मैं राजस्थान में हूं इसलिए राजस्थान में भारतीय जनता पार्टी को जिस तरीके से पूरे देश में लोग बात कहते हैं कि जब दो लोग मिलकर काम करते हैं तो अंजाम तक पहुंचाते हैं, डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी, पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी, अटल बिहारी वाजपेयी जी, श्रद्धेय लाल कृष्ण अडवाणी जी, और आज हम सब लोग देख रहे हैं कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी और उनके एक मजबूत सारथी के तौर पर अमित शाह जी ने जिस तरीके से इस देश को बुलंदियों पर लेके गए हैं, अपने आप में अभिनव। मित्रों, मैं याद करूंगा राजमाता विजयराजे सिंधिया जी को, एक राज परिवार में पैदा होकर विचार की दृढ़ता के साथ काम करना, ये उन्होंने सिखाया। स्वर्गीय सुंदर सिंह भंडारी जी अपने आप में एक पाठशाला थे, और मैं बड़े श्रद्धा और सम्मान के साथ याद करना चाहूंगा स्वर्गीय भैरव सिंह शेखावत जी को, इस राजस्थान में हम जैसे कितने कार्यकर्ताओं को उन्होंने राजनीति के उस मार्ग को चलना सिखाया। मैं भूल नहीं सकता कितना संघर्ष किया होगा स्वर्गीय जगदीश प्रसाद माथुर जी ने, स्वर्गीय ललित किशोर चतुर्वेदी जी ने, या बहुत लोग हैं जिन्होंने उनको बहुत निकट से देखा, स्वर्गीय रामदास अग्रवाल जी, सहजता और सरलता की प्रतिमूर्ति मूर्ति, और बड़ी संजीदगी से संगठन को उन्होंने चलाया। स्वर्गीय रघुवीर सिंह कौशल जी, मेरे प्रति उनका स्नेह था, लेकिन मेरे जैसे हजारों कार्यकर्ताओं के प्रति उनका अगाध स्नेह था, और मैं बहुत श्रद्धा से याद करूंगा। आज मैं जिक्र कर रहा था कि मैं एक साधारण घर में पैदा हुआ, लेकिन आपको यदि ताजुब होगा, ये चरित्र कहीं नहीं मिल सकता। मित्रों, स्वर्गीय मदनलाल सैनी जी की जब अध्यक्ष की घोषणा हुई तो आपको पता वो कहां थे? अजमेर में, सीकर में, खेजड़ी को छांग रहे थे, खेजड़ी पे, और उनको इतना मिली कि उनको पार्टी का अध्यक्ष बनाया, रोडवेज की बस में आते थे। ये चरित्र ढूंढे नहीं मिलता मित्रों, इसलिए मैं स्वर्गीय मदनलाल सैनी जी को भी हार्दिक श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं। आज जो लोग एक प्रकाश पुंज की तरह उम्र के दौर पर, उम्र के पड़ाव का असर जरूर है, लेकिन उनकी उपस्थिति हमें ऊर्जा देती है। माननीय हरिशंकर भाभड़ा जी, माननीय भंवरलाल शर्मा जी आज नहीं आए, लेकिन हमेशा किसी न किसी कार्यक्रम में, और आपको ताजुब होगा कि जब उनका मूड होता है आज भी फोन कर देते हैं, फोन यदि रिसीव नहीं होता तो किसी को भेज देते हैं कि भैया बात करो, और बात क्या करेंगे, अच्छा कर रहा हूं तो ये कहेंगे भाई बहुत ही बढ़िया कर रहा है, गलत करता हूं तो भाई तेरी ये बात ठीक नहीं लगी, वो हमारे बीच में है लेकिन एक वास्तव में जीवंत प्रतिमूर्ति की तरह आदर्श के रूप में हमारे बीच में उनका जीवन आप लोगों ने देखा। आदरणीय गुलाबचंद कटारिया जी एक मार्गदर्शक की तरह विधानसभा में भी और विधानसभा के बाहर भी हमारा बेहतरीन मार्गदर्शन आप करते हैं। आदरणीय वसुंधरा राजे जी, 2003 में जब आपका आगमन हुआ तो भैरव सिंह शेखावत जी ने जिस बीमारू प्रदेश से राजस्थान को एक विकासशील प्रदेश की पटरी पर लाए, लेकिन राजस्थान 2003 से 8 और 13 से 18 ये बच्चा बच्चा जानता है राजस्थान का, इस राजस्थान को विकसित प्रदेश बनाने में
वसुंधरा जी की एक बड़ी भूमिका है। अध्यक्ष के नाते उन्होंने अच्छा काम हमारे बीच में किया। मुझे सौभाग्य मिला उनके साथ महामंत्री के रूप में काम करने का। एक विद्वान राजनेता के नाते जिनकी लेखनी मुझे लगता है कि बहुत बड़ा साहित्य कार्यकर्ताओं के बीच में पहुंचता है, अपनी विद्वत वाणी से हमारा मार्गदर्शन करते हैं आदरणीय महेश्वर शर्मा जी, आदरणीय ओम प्रकाश माथुर जी संगठन मंत्री तो रहे ही लेकिन राजस्थान में पार्टी के अध्यक्ष के नाते हमें उनका मार्गदर्शन मिला। मंच पर आदरणीय अरुण चतुर्वेदी जी, विद्यार्थी परिषद के दिनों से बड़े भाई के रूप में उनका मार्गदर्शन, और आज भी अध्यक्ष के नाते मुझे आपके साथ महामंत्री के रूप में काम करने का अवसर मिला, तो जो स्नेह विद्यार्थी परिषद के कालखंड में था वैसा ही स्नेह बड़े भाई और छोटे भाई के रूप में आपका मुझ पर रहता है, मैं अभिनंदन करता हूं आपका। अशोक परनामी जी हमारे अध्यक्ष रहे, इनकी खूबियां पिछले कार्यक्रम में मैं बता चुका हूं। अच्छा सब हंस रहे, इसका मतलब सबको पता है, लेकिन विद्यार्थी परिषद के जमाने से हमें संबल देने का काम हमेशा करते थे। सतीश पूनिया जी, मैंने मेरा नारा लगाने के लिए नहीं कभी है, मैं एक निवेदन और करना चाहता हूं। नारे लगते हैं, अच्छे भी लगते होंगे, लेकिन एक निवेदन करना चाह रहा हूं। कई बार जब लोग उत्साह में ज्यादा नारे लगाते हैं तो ये माना जाता है कि नेता ही लगवा रहा है, भैया मत लगाया करो। मेरी न तो दौड़ है न होड़ है, मेरी इच्छा ये है। और जब मैंने कहा, मुझे अखबार के लोगों ने कहा कि सदस्यता आपकी खूब हो गई, लोकसभा प्रचंड बहुमत से जीते, सरकारें भी आपकी खूब हुई, अब आपका मिशन क्या है? तो मैंने जैसे कहा, मित्रों राजस्थान में एक अनुशासित और संस्कारित पार्टी बने, ये मिसाल पूरे देश में हो। सदस्य संख्या के नाते तो है 69 लाख सदस्य, पहली बार राजस्थान की धरती पर आप सब लोगों ने बना, आपका अभिनंदन करता हूं। लेकिन हमारी पार्टी अनुशासन और संस्कार के लिए जानी जाए, और हमारी पार्टी 2023 के बाद बीजेपी यहां हमेशा जीते और राजस्थान से कांग्रेस पूरे तरीके से मुक्त हो जाए, ये मिशन है मेरा, उसमें आपका सहयोग चाहूंगा। इसलिए मेरी इच्छा है कि मुझे जब जिम्मेवारी दी आदरणीय वी सतीश जी, चंद्रशेखर जी, माननीय गुलाब जी, हमारे तमाम नेताओं की साक्षी में मैं निवेदन करना चाह रहा हूं, आपके कंठ से निकली भारत माता की जिंदाबाद, वंदे मातरम, भारतीय जनता पार्टी का जिंदाबाद का नारा और बूथ पर आपका परिश्रम, और 2023 में मेरी तमन्ना है कि अपने हाथ से अपने मुखिया को तिलक लगाऊं और भारतीय जनता पार्टी की एक मजबूत सरकार हमेशा के लिए राजस्थान की धरती पर काम करे, ये निवेदन करना चाह रहा हूं। इसलिए मित्रों देरी बहुत हुई, बातें मेरे पास बहुत हैं, अवसर खूब आएंगे, लेकिन इस बात के लिए जरूर तैयार हो जाना कि हलवा फोकट में नहीं खिलाया है। 4 साल अभी हमने प्रदर्शन किया CAA के खिलाफ, समर्थन में अशोक गहलोत की सरकार के खिलाफ, तो मैंने उस दिन आपको बता दिया, कोई समझने वाले समझ गए होंगे कि ये वो फिल्म का ट्रेलर है, शुरुआत है। अब इन 4 सालों में कितनी बार आपको नारे लगाने पड़ेंगे, कितनी बार संघर्ष करना पड़ेगा, लेकिन मुझे पूरा भरोसा है कि केंद्र की जो अपेक्षा है इस सरकार को, और मैं तो कई बार कहता हूं अत्यारी सरकार। अभी 3 दिन पहले फिर एक किसान ने, धर्मपाल सुथार ने, अनूपगढ़ के हमारे सूरतगढ़ के किसान ने 19 लाख का कर्जा आत्महत्या कर ली, किसानों को ठगने वाली, बेरोजगारों को ठगने वाली, और राजस्थान में कानून व्यवस्था को ध्वस्त करने वाली सरकार, ऐसा कम होता है नित्यानंद जी, 1,76,000 मुकदमा। कभी किसी जमाने में बिहार, आपका बिहार बदनाम था, लेकिन राजस्थान की रेटिंग तो और ज्यादा ऊंची चलेगी इस मामले में। 1,76,000 मुकदमे, पहली बार ऐसी सरकार के खिलाफ एक बड़े आंदोलन का
श्रृंखलाबद्ध आंदोलन का आगाज उस दिन हुआ है। इसलिए मित्रों, पूरी मजबूती के साथ इस सरकार को सदन में गुलाब जी और राजेंद्र जी घेरेंगे, लेकिन सड़क पर हम सब लोग मिलकर इस सरकार के घुटने टेकने के लिए मजबूर कर देंगे। बिल्कुल, मैं संघर्ष करने के लिए तैयार हूं और आपके साथ ही हूं। इसलिए मित्रों, अपनी बात को विराम देने से पहले इतना ही निवेदन करूंगा, इस कार्यकर्ता से प्रेम करते हैं, स्नेह करते हैं, आशीर्वाद रखते हैं, तो निश्चित रूप से आप सब लोग इस पार्टी को परिवार की तरह एक अच्छी ताकत के साथ हम लोग चलाएं। जितना कर पाऊंगा करूंगा। कविवर गुरुदेव रविंद्रनाथ टैगोर की कुछ पंक्तियां हैं, सांध्य रवि ने दहाड़ कर कहा, मेरा स्थान लेगा कौन। सांध्य रवि ने दहाड़ कर कहा, मेरा स्थान लेगा कौन, जग रह गया निरुत्तर मौन। तब एक माटी के दिए ने कहा, जितना हो सकेगा मैं करूंगा नाथ, मैं करूंगा नाथ, मुझसे जितना बन पड़ेगा निश्चित रूप से मैं करूंगा। आपके लिए, पार्टी के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। ये है टॉक्स न्यूज़ नेटवर्क और आप देख रहे हैं पॉलिटॉक्स, राजनीति का कच्चा चिट्ठा।